हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 9 एंड यूनिट इज थर्ड, अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों, आप लोग ने इससे पहले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देख लिया था, किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप होता है, दो हाफ सेल्स थी और किस तरीके से उसमें रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बट जो आज हमारा हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस का होना, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब इसके लिए एक डायग्राम है जो आपने ऑलरेडी 10th में लिटिल बिट पढ़ रखा है, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है। तो सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जो नॉन कंडक्टिंग होता है, मे बी वो ग्लास का हो सकता है, और उसमें फील्ड है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस लिए लिया, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, ठीक है। तो मे बी वो इलेक्ट्रोलाइट हम NaCl ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl इज द इलेक्ट्रोलाइट जो कि मॉल्टन कंडीशन में होगा। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, वन इज एनोड एंड अनदर वन इज कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा एज यूजुअल, कैथोड पे रिडक्शन होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा। बट डिफरेंस इज दिस कि जो एनोड है वो पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा था कि जो एनोड था वो नेगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था, तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसको हमने जो बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये देखिए बैटरी वाला जो टर्मिनल है प्लस वाला, वो प्लस से अटैच है, माइनस माइनस के साथ में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है मे बी वो एक्वस फॉर्म में हो, मे बी वो मॉल्टन हो, क्योंकि सॉलिड तो हम ले ही नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, एनायन विल मूव टू एनोड। जो एनायन है बीइंग नेगेटिवली चार्ज, एनायन आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और वो एनोड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एनायन मूव करेंगे एनोड की ओर, केटायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज मूव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एनायन टू एनोड, केटायन टू कैथोड, और यू कैन से ए टू ए एंड सी टू सी, ठीक है। तो सपोज हम एग्जांपल ये लिया है जो हमने NaCl का, मॉल्टन NaCl का, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जब ये आयनाइज होगा आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, आयंस भी वही जो इसके अंदर हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये कैटायन है, रिडक्शन करेंगे, ये एनायन है, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड का रिएक्शन, इसका मतलब है रिएक्शन एट एनोड, मतलब जो यहाँ पे क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अपना चार्ज खत्म करेंगे और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे जो कैथोड पे रिडक्शन होगा, सोडियम आयन है, केटायन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कैथोड है, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और ये भी अपना चार्ज खत्म करके सॉलिड सोडियम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सोडियम है वो तो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा सोडियम, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे इवॉल्व होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्प्लिट हो जाता है अपने आयंस में, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, तोड़ देना, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाता है। तो किस तरीके से टूटेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, इलेक्ट्रोड वो इनर्ट तो नहीं है या इलेक्ट्रोड एक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है, और सोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन वो मॉल्टन स्टेट में है या फिर वो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड मॉल्टन कंडीशन में है, अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, एंड बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो इनर्ट होते हैं, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, सिर्फ एक सोर्स देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट्स इट।
तो PbBr2 ये मॉल्टन कंडीशन में है, जब आयनाइज होगा तो अपने आयन्स में टूटेगा, तो इसमें कौन से आयन होंगे, लेड आयन और ब्रोमाइड आयन। Pb2 पॉजिटिव, Br1 माइनस, दो Br हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Br2 लिया है हमने, तो कैटायन और एनायन में टूट गया। अभी रिएक्शन कैसे होगा, एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का होगा, एनायन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और अपना चार्ज खत्म करेंगे, Br में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये Br प्राइमरी चेंज शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि Br एग्जिस्ट नहीं करता, Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज प्राइमरी चेंज, ठीक है। और यही जो Br है वो दो Br मिलके Br2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज द सेकेंडरी चेंज। देन जो कैथोड का रिएक्शन है, कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो कौन करेंगे, कैटायंस करेंगे, कैटायंस यहाँ पे लेड आयन है, तो लेड आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे तो कैटायन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अपना चार्ज खत्म करेंगे और सॉलिड लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो होगा कैथोड पे ये डिपॉजिट हो जाएगा लेड, लेड कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और ब्रोमीन वेपर्स, ऑरेंज वेपर्स होते हैं, वो एनोड पे लिबरेट होंगे, इवॉल्व होंगे, ठीक है। एंड जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगा, PbBr2 गिव्स लेड एट कैथोड एंड ब्रोमीन एट एनोड, मतलब सिंपल रिएक्शन है, जब मॉल्टन हमने लिया है कोई इलेक्ट्रोलाइट तो सिंपली अपने वो आयनाइज होगा आयन्स में और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जिस भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब सॉल्यूशन डिफरेंट हो, एक्वस हो, एंड इलेक्ट्रोड्स भी अलग हों, कभी हमने इनर्ट लिया होगा, कभी हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया होगा, तो अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, मीन्स अगेन ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एक्वस की, इट मीन्स कॉपर सल्फेट इन वाटर, तो जब कॉपर सल्फेट है वाटर में है तो वो किन किन आयन्स में टूटेगा, डिसोशिएट होगा, तो कॉपर सल्फेट कॉपर आयन्स और सल्फेट आयन्स में डिसोशिएट होगा, एंड साथ में वाटर भी है तो वाटर के भी अपने आयन्स हैं, तो वो H+ एंड OH- आयन्स में डिसोशिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कॉपर इज लिबरेटेड डिपॉजिटेड एट कैथोड, वेयर एज ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो जो कॉपर है वो तो कैथोड पे डिपॉजिट होगा बीइंग कैटायन, एंड जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होगी एनोड पे, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो कैटायंस हैं, कॉपर आयंस हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं, एंड दो ही टाइप के एनायंस हैं, सल्फेट आयंस हैं और OH- आयंस हैं, तो अब इन दोनों कैटायंस में और दोनों एनायंस में होता है कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि दोनों कैटायन हैं तो दोनों में से कौन पहले कैथोड पे जाएगा, कौन डिपॉजिट होगा, या इनमें से कौन एनायन है जो एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है। रिडक्शन पोटेंशियल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टाइम में। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी मीन्स उतनी ही जल्दी रिड्यूस होगा, और ये होता है जब हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायन क्योंकि रिड्यूस होते हैं रिस्पेक्टिव अपने सब्सटेंस में, तो जिसकी वैल्यू कैटायन के केस में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जो जितना ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा वो उतनी ही जल्दी कैथोड पे जाएगा। कॉम्पिटिशन है, दोनों ही पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू है, लेकिन जो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा वही जाएगा, ठीक है। एनायन के केस में होता है जितनी नेगेटिव वैल्यू है, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या जितनी जल्दी जो दोनों में से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो उतनी जल्दी एनोड पे जाएगा। मतलब जिसकी जो टेंडेंसी है रिडक्शन की है या ऑक्सीडेशन की, जो दोनों में से जो ज़्यादा पहले होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वही उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब कॉपर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो 1-0 ही होता है, तो इसका ज़्यादा होता है तो ये जल्दी डिपॉजिट होगा, और इन दोनों के केस में ये, अब जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये तो एज इट इज जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो वैसे ही जाएगा, तो इसके रिएक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं।
रिएक्शन एट एनोड, एनोड यानी एनायन की बात हम करेंगे, इन दोनों में इसको हम देखेंगे। तो अब जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो वाटर के की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होगा O2 और H+ बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन, तो इसने हाइड्रोजन निकाल दिया और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी एनोड पे। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गया एनोड का। देन कैथोड पे क्या होता है, कॉपर आयंस हैं, बताया मैंने कॉपर आयंस और हाइड्रोजन में इसी को प्रेफरेंस मिलेगी, तो कॉपर आयंस उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने इसने लूज किए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। मीन्स जब इलेक्ट्रोड हमारा इनर्ट है तो रिएक्शन होंगे ये वाले। ठीक है, लेकिन डिफरेंस तब आ जाता है जब सेम सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड हमने एक्टिव लिया है, जैसे लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हम बात कर रहे हैं, अगेन एक्वस कॉपर सल्फेट की, बट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो रिएक्शन लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। कैथोड का रिएक्शन तो सेम ही रहेगा, कैथोड पे वही काम होगा कि जो सॉल्यूशन के कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, सेम रिएक्शन एज यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बट एनोड में रिएक्शन हो जाएगा चेंज। एनोड के रिएक्शन में क्या होता है कि जो कॉपर है, जो कॉपर का एनोड था, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सॉल्यूशन में चले जाएंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किया था, ये रिएक्शन वही है बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कैथोड का रिएक्शन सेम है, एनोड पे क्या होगा रिएक्शन अलग हो जाएगा और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्स इन सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस। ठीक है, सॉल्यूशन में कॉपर आयंस आएंगे, साथ में वही कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये हम यूज़ कर लेते हैं जब हमें कॉपर को प्योरीफाई करना होता है, ये इम्प्योर जो कॉपर होता है वो एनोड ले लेते हैं और प्योर कॉपर कैथोड ले लेते हैं, और धीरे धीरे करके एनोड के जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आता जाता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस कैथोड पे कोटिंग होती रहती है और कॉपर प्योरीफाई हो जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि वेन मोर देन वन सब्सटेंस लाइक जैसे मैंने कहा कैटायंस दो होंगे एनायंस दो होंगे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होता है, द आयन हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट। अभी मैंने बताया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, एंड द आयन हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं या हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहना या लोअर रिडक्शन पोटेंशियल कहना बोथ आर सेम थिंग, बट क्योंकि जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे। विल बी ऑक्सीडाइज फर्स्ट, तो ज़्यादा वाला रिड्यूस होगा कैटायन के केस में और कम पोटेंशियल वैल्यू वाला ऑक्सीडाइज होगा एनायन के केस में। ठीक है, अब एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का, इससे आपको थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आपको प्रेडिक्शन करना है कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट होंगे अगर हमने लिया है एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। जैसे अभी हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे, अब हमें AgNO3 का प्रोडक्ट बताना है और सिल्वर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, तो सेम रिएक्शन होगा, AgNO3 और वाटर क्या होंगे आयनाइज हो जाएंगे अपने आयंस में, ये सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, वाटर H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसमें जब सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन सिंपल होगा। कैथोड वाला रिएक्शन क्या होगा, जो कैटायन है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और अपना चार्ज ख़त्म करेंगे, ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो एनोड हमने सिल्वर की ली हुई है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आयन जाएंगे सॉल्यूशन में, मतलब ये रिएक्शन होता ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा एनोड ख़त्म ना हो जाए। तो ये
सॉल्यूशन में आ रहे हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, फिर यही सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये तब है जब इलेक्ट्रोड हमने उसी के लिए हैं सब्सटेंस के जो कि हमारा सॉल्यूशन है सिल्वर का। अब चेंज क्या होता है जब हमने इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लिए हैं, यहाँ पे चेंज है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, सॉल्यूशन हमारा सेम है, मतलब आयनाइजेशन वैसा ही होगा सेम, AgNO3 इनमें टूटेगा, वाटर इनमें टूटेगा, बट देखना अब क्या है हमें कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, कौन पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाने की। तो Ag+ एंड H+ में आप देखेंगे कि ये आप जो वैल्यूज गिवन होती हैं स्टेटमेंट में उसमें पता लग जाएगा कि सिल्वर पहले डिपॉजिट होगा, सिल्वर का जो पोटेंशियल वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन वो ज़्यादा होती है, तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इजली या जल्दी वो डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो कैथोड पे तो सिल्वर ही डिपॉजिट होगा, ठीक है। एंड एनोड पे अब इनमें जब कॉम्पिटिशन होता है नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में तो इसको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ठीक। तो इसलिए जो OH- माइनस है वो किस फॉर्म में लिबरेट होंगे, तो वो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में लिबरेट होंगे। OH आयंस हैव लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब ये जल्दी डिस्चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आपको आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें सिंपल थिंग ये है कि हमें देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, टैंक है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, चाहे वो मॉल्टेन हो चाहे वो एक्वस फॉर्म में हो, काम वही होना है एनोड कैथोड, एनोड पे कुछ लिबरेट होगा, कैथोड पे कुछ डिपॉजिट होगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे तभी रिएक्शंस होंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होंगे। तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस का होना, केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बस एनायन टू एनोड, कैटायन टू कैथोड, एनायन पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो सारा प्रोसेस वही है। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, ओके। तो आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आप इजिली बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये क्वालिटेटिव की बात थी, अगले में हम देखेंगे कि हाउ मच सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेट, है ना, कितना ज़्यादा। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमें दो लॉस पढ़ने हैं फैराडेज़ के, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।